हाय गाइस, आपका ऑटो लेकर चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है मतलब है हमारे जो है चहेते और हमारे आ चुके हैं, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, थोड़ी मेरे मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो मुझे बोलने को मौका नहीं मिलता। तो चलिए उस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग को मालूम है सबको कि कमला हसन की मूवी हिंदुस्तानी 2 आने वाली है, लेकिन उसी के साथ अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार क्लैश करने वाले हैं सरफिरा। तो दोस्तों ये दोनों पे कितना एक्साइटमेंट है, क्रेजी, हमें जानेंगे हमारे सूर्या सर से, हमारे एक्सपर्ट। आइए सर। हाँ शुक्र सर, कैसे हैं आप? बस आपका स्वागत है ऑटो वाले अंकल चैनल में। और क्रेजी हम मैं आपका जो है मतलब है ओपिनियन जानना चाहता हूँ, हमारे पब्लिक जो जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है और क्या ओपिनियन है आपका, क्योंकि अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार हमेशा उड़ी मार के वही काम करते जो नहीं कर रहे। सर 12 तारीख की बात है, 2 मूवी आने वाली हिंदुस्तानी 2 कमला हसन की और सर फिरा आने वाली है अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार की, तो आपकी क्या ओपिनियन है सर? मतलब ओपिनियन मतलब फिल्म कैसे चलेगी वो, कि फिल्म का क्रेज कैसा? आप ये है कि मुझे टेंशन है दोनों क्लैश होने वाली है। अच्छा। तो मैं क्लैश पर बात करूंगा कि क्या दोनों में क्रेज रहेगा और किस तरह से चलेगी सर। देखिए सरफिरा एक रीमेक फिल्म है। अच्छा। जो 4 साल पहले ऑलरेडी ओरिजिनल बन चुकी है। अच्छा। तमिल वर्जन में। अच्छा। तो जिस फिल्म को लोगों ने देखा है तमिल वर्जन में। अच्छा। और वो फिल्म हिंदी में भी डब होके आ चुकी है। अच्छा। उस फिल्म को अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो तो हाँ। आपका आधा मार्केट वैसे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। डर मुझे ये लग रहा है कि कहीं सेल्फी वाला हाल ना हो जाए। सेल्फी 15 करोड़ में निपट गई थी। अच्छा अच्छा। वो वाला हाल ना हो जाए उसका डर है। अच्छा। फिल्म अच्छी है। हाँ। फिल्म को लेकर कोई डाउट नहीं है। अच्छा। मिशन रानीगंज भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ आपको पता है? सही सही सही। वो कमा नहीं पाई, अच्छी होने के बावजूद कमा नहीं पाई। इसका मतलब साफ है कि आप पब्लिक को ज्यादा भी चीजें दे दोगे तो उसको अपच हो जाती है। अपच, सही बोल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि सरफिरा एक ऐसी फिल्म है को लेकर कोई बज़ नहीं है। अच्छा। कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, पीआर जो भी कर रहे हैं वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक की सबसे कम प्रमोट की जाने वाली अक्षय कुमार की ये फिल्म है। बिल्कुल। अच्छा। पैसा नहीं खर्च कर रहे मेकर्स। अच्छा। और मुझे डर इस बात का है कि इस बारिश के मौसम में ये फिल्म भी कहीं बाढ़ में बह ना जाए। डर लग रहा है। डर लग रहा है। देखिए एकदम वो सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। डर लग रहा है। अच्छा सर, ये जो कमला हसन जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, अब जो है वो अपनी हिंदुस्तानी 2 जो है कई सालों के बाद लेके आ रहे हैं, और उसका जो है डायरेक्टर एक जबरदस्त डायरेक्टर शंकर ने किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो एस शंकर का जितनी भी फिल्म है हर फिल्म दूसरे से हटके होती है। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए फिल्म नहीं बनाते कि मेरे को फिल्म बनानी है। अच्छा। उन्हें पैशन है कुछ अलग करने का, ऑडियंस को कुछ अलग देने का। अच्छा। और इंडियन 2 में भी वो कुछ अलग देंगे। अच्छा। ये मुझे विश्वास है। अच्छा। जिसने हिंदुस्तानी देखी है वो तो देखने आएगा ही। आएगा, आएगा। आप, मैं भी आऊंगा। जैसे गदर जो देखे थे वो गदर 2 देखने आए। सही है सही है। फिल्म उतनी अच्छी नहीं भी आई, फिर भी आई, फिर भी 500 करोड़ ऊपर कलेक्शन की। हाँ देखो हिंदुस्तानी का जो ट्रेलर है वो बहुत अच्छा नहीं है, सुनो मेरी बात, डिसेंट है हम बोल। अच्छा, सकते अच्छा, हैं डिसेंट है ये बराबर है। कालकी का भी वही था। क्या हुआ क्या हुआ एक्चुअली मैं वही कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ कंटेंट बहुत मैटर करेगा। देखो कंटेंट तो सरफिरा का भी अच्छा ही रहने वाला है। कंटेंट सरफिरा का भी बुरा नहीं है, उसके जो दोनों गाने हैं दोनों अच्छे हैं। अच्छे हैं, लेकिन रीमेक है। हाँ, बोलने की ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसने ओरिजिनल देखी नहीं है वो उनको बहुत पसंद आएगी सरफिरा। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि आपको याद होगा अजय देवगन की इस साल की सबसे पहली फिल्म थी शैतान। रीमेक थी। रीमेक होने के बावजूद फिल्म कमाई करी बहुत। एक मिनट सर, आपने बोला कि शैतान मूवी रीमेक थी वो चली, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे जो है मतलब जो OTT पे है वो सब वहाँ से जो है गुजराती जितनी भी उसकी रीमेक थी सब उन्होंने हटा दिया, तब चली चली। यहाँ तो नहीं जी, यहाँ तो नहीं है, यहाँ वही सीन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये उस दौर की बात है जब बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर रीमेक फिल्में कर रहे थे। अच्छा। और ये उसी दौरान सुधा कोंगड़ा के साथ, ये आज की साइन की हुई फिल्म है क्या, मेरे को बताइए सर। फिर आज की साइन की हुई फिल्म है क्या? नहीं सर, 3 साल पहले की साइन की हुई फिल्म है ना। उस दौरान क्या दौर था? उस दौरान ये दौर था कि रीमेक बनाते, बॉलीवुड में रीमेक बहुत चल रहा है, तो अक्षय कुमार ने ऐसी 3-4 रीमेक उठा ली थी, कठपुतली है उसमें से ये सेल्फी है, उस तरह से ये भी एक रीमेक उठा ली है। हालांकि
अब आपको पता है कि रीमेक फिल्मों का मार्केट ना के बराबर है, ना के बराबर वो चल गई है पहले से ही, तो मतलब हमेशा जो है अक्षय कुमार समझ रहे हैं कि राउडी राठौड़ जैसी चलेगी, वैसी नहीं होगी। यहाँ पे डर इस बात का है ना अशोक सर, इसको डर कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 से नहीं है, इसको अक्षय कुमार को डर खुद से ही है मुझे लगता है। फिल्म अच्छी होने वाली नो डाउट, पब्लिक आएगी क्या ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी बात बराबर है, आप सही पॉइंट बोले। और ये फिल्म को अगर कोई हिट करा पाएगा ना, हमारे हिंदी मार्केट के जो फैमिली ऑडियंस है उनके जो बच्चे हैं वो लोग अगर फिल्म को पकड़ लेते हैं तो पब्लिक भी देखेगी और फिल्म ज्यादा चलेगी, क्योंकि फिल्म कॉमेडी नहीं है। अच्छा। बहुत सीरियस है और बहुत अच्छे मुद्दे पे है। अच्छा। और मुझे डाउट लग रहा है कि पब्लिक शायद जाएगी थिएटर में देखने, वो बोलेगी यार हम तो ओटीटी पे पहले देख चुके 4 साल पहले, हम क्यों जाए थिएटर में। अच्छा तो मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा तो कमला हसन की जो मूवी आ रही है उसके बारे में कुछ आपका अपेक्षा नहीं है? देखिए कमला हसन की फिल्म जो है ना कुछ तो मारेगी तो भाई करेंगे? मैं देखूंगा। अच्छा। मैं आग बंद करके देखूंगा कमल हसन की फिल्म। हाँ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और कड़वी बात बोल देना चाहता हूँ। हाँ। हिंदी मार्केट में भी जो लोग देख रहे हैं, आज के टाइम पे जो क्रेज है वो सरफिराज से ज्यादा इंडियन 2 का है। हाँ, सही सही है, सही, सही है। बिगर प्रचार किए है, बिगर प्रचार किए हुई फिल्म ऑलरेडी एक कल्ट फिल्म है, ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट फिल्म है। वो उस दौरान में पॉपुलर फिल्म थी जिस दौरान में ना मोबाइल थे, ना बकायदा लैंडलाइन थे, ना घरों में टीवी थी, कलर टीवी छोड़ दी, टीवी तक नहीं थी ब्लैक। ये उस दौरान की फिल्म है और उस दौरान भी गाने आते लटका दिखा दिया हमने, उसका मारने का स्टाइल उस दौरान वो फेमस था जब लोग स्कूल में गा, तो कुल मिला कि वो फिल्म है, तो इसको आप हल्के में ना ले, फिल्म चल सकती है। मैं चाहता हूँ सरफिरा भी अच्छी हिंदी मार्केट में चले, मैं फैन हूँ फिल्मों का, मैं चाहता हूँ दोनों फिल्म चले, लेकिन माहौल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल सरफिरा डाउन हो सकती है और हिंदी मार्केट में हिंदुस्तानी भी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि पहले दिन आएगी पब्लिक हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन कंटेंट अगर सही नहीं मिला तो शायद पब्लिक इग्नोर मारे इसको, दोनों ही फिल्म को डर है। तो देखा हमारे सूर्या सर ने जो है क्रेजी हम में जो है ऑटो वाले अंकल चैनल पे जिस तरह से अपनी ओपिनियन रखी कि दो मूवी 12 तारीख को क्लैश हो रही है, भागने का नाम नहीं ले रही है, तो दोस्तों आपने देखा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ अशोक सर, कहीं तीसरी बात ये ना हो जाए कि दोनों ही फिल्में ना चले और कल की तीसरे हफ्ते ही भारी पड़े। तो देख सकते हैं ये भी हो सकती है। तो गाइड्स आपको वीडियो कैसा लगा, बस मैं चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बॉलीवुड क्रेजी को भी ना भूले। बस नमस्कार, जय हिंद।